दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का अचानक निधन हो गया है और अभी हम राजेंद्र नगर स्थित उनके जो आवास है वहां पे पहुंचे हुए हैं। कल देर रात जब से ये सूचना मिली है तब से जो लोगों का यहाँ पे आना जाना जो है वो बिल्कुल लगा हुआ है, लोग बेहद मरमाहत हैं। और क्योंकि जिस ढंग से सुशील कुमार मोदी जी ने अपनी जिंदगी जी है, जितने लोगों की मदद की है और जिस एक ढंग से कहें कि जिस संघर्ष के साथ इस जगह पे पहुंचे हैं, हर कोई याद कर रहा है। और आपको बता दूं कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि ये वो जगह हुआ करती थी उनके आवास पे, जहाँ पे सुबह सुबह इनकी दिनचर्या जो है वो शुरू होती थी और दिनचर्या भी कैसी, सीधा न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर जो है उनके जान हुआ करते थे। और हमारे साथ शत्रुघ्न जी हैं जो उनके साथ साये की तरह हमेशा रहे हैं। अब सुशील मोदी जी का ये दुखद समाचार बहुत कितना सुन के तो मैं आपको, मैं रात में 5 मिनट भी नहीं सो पाया, नींद नहीं आए। और उनके जैसे आदमी बिरले मिलता है संगठन के लिए, विद्यार्थी परिषद के काल के पहले संघ के शाखा से जुड़े और संघ के दायित्व को निभाते हुए विद्यार्थी परिषद के दायित्व को निभाते सभी जगह पूरी अपनी जिम्मेवारी के साथ और आज भाजपा के इस स्तर पर बिहार पर ले गए। मुझे नहीं लगता है कि इनके जगह को कोई भरने बनाने के 8 तारीख को दिल्ली गए, उसके 10 दिन पहले आए थे, हमको बुला के बहुत समझाए, ऊपर बुलाए, कहे कि शत्रुघ्न जी ऐसा ऐसा है, कोई मंत्री से बात करते हैं, कि नहीं आपके छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। फिर भी वो बहुत समझाए, कहे कि आप बहुत जिद्दी हैं, फल्ला है। एयरपोर्ट पे आएंगे सुशील जी को लेके, 12 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, तत्पश्चात यहाँ आने का कार्यक्रम है, घर पे लाएंगे। घर के बाद यहाँ पर जो भी सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से जो कार्यक्रम होते हैं वो करने के पश्चात बीजेपी कार्यालय और विधान परिषद और विधानसभा वगैरह जाएंगे, उसके बाद घाट पर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार, अभी उसका कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि इनके निधन से न सिर्फ बिहार स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद से बिहार में दुख का अभी अभी यहाँ पर बता दें कि आज सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर कुछ ही देर के बाद पटना पहुंच जाएगा और क्या कुछ आज पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। बीजेपी का दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद न सिर्फ बिहार में बल्कि देश की राजनीति में शोक जो है वो व्याप्त हो गया है। और आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी का जो पार्थिव शरीर है दिल्ली से 12 बजे यहाँ पे पटना एयरपोर्ट लाया जा रहा है। और आपको बता दें कि 12 बजे एयरपोर्ट लाने के बाद सीधा जो है वो राजेंद्र नगर जो उनका आवास है वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, जहाँ पे मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ जो अंतिम क्रिया होती है वहां से उठाने की वो होगी। और उसके बाद राजेंद्र नगर स्थित आवास से ये जो बीजेपी कार्यालय का जो तस्वीर दिखा रहे हैं इसी प्रांगण में आकर सुशील मोदी का जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा, जहां पे बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों और तमाम लोग जो हैं यहाँ पे आकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और यहां से बीजेपी कार्यालय के बाद उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा और विधान परिषद में ले जाया जाएगा, जहां पे लोग उनके चाहने वाले जो हैं वो यहां पे वहां पे दर्शन कर पाएंगे। आपको बता दूं कि शाम लगभग 5 बजे विधानसभा के बाद है दीघा घाट पे उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। और उस अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो पहुंचने वाले हैं। और वहां पे जेपी नड्डा के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने सारे जो कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और उसके बाद अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। और सुशील कुमार मोदी के जो अंतिम जो संस्कार होगा राजकीय सम्मान के साथ दीघा घाट पर शाम लगभग 5:30 बजे किया जाएगा, वहां पे बड़े चेहरे जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील